नहीं है, इंडेक्स पे मुझे लगता है फुली प्राइस है, अगर कुछ हुआ तो 500-700 पॉइंट की करेक्शन जरूर आ सकती है। ठीक है सर, डन। मोटा मोटी आपका व्यू पॉइंट समझ गया। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करो, सारी क्या है अच्छी खबर है, थोड़े डिस्काउंट भी कर रहा है मार्केट, और थोड़ा बहुत पोजीशंस कैश में भी रखो जो इंडेक्स के ट्रेडर्स हैं। वसीम साहब, स्टॉक्स पे आ जाएं तो पहले अपडेट भी दे दीजिएगा, फिर आज के नए शेयर्स भी बता दीजिएगा प्लीज़। बिल्कुल, देखिए वो आपको HDFC बैंक का था वो चल गया, आपको आइडिया का था कोई पूछने वाला नहीं था, 11-12-13 रुपए में 16 रुपए मार गया, 22 रुपए से कम बेचने का सोचना भी नहीं, जो भी सप्लाई आएगा वो अच्छा है मार्केट के लिए, क्योंकि चेंज ऑफ हैंड डिलीवरी वॉल्यूम्स आर द ओनली इंडिकेटर, आइडिया टर्न द कॉर्नर। ए बी ग्रुप के सारे शेयर, डिम्पी जी आप याद रखिए, 2250 पे ग्रासिम और 9500-9600 पे अल्ट्राटेक का था, अल्ट्राटेक न्यू हाई चले गया और वो भी ग्रासिम भी, अल्ट्राटेक ग्रासिम ABFRL 240, 250, 260, 292 का हाई, ये भी शुरुआत है। आज का टॉपिक अगेन मेरा है AB कैपिटल, आर्ग्यूबली NBFC में सबसे बढ़िया रिजल्ट, होल्डिंग कंपनी ऑफ AIF म्यूचुअल फंड एंड हेल्थ इंश्योरेंस, पहला टारगेट 250, दूसरा टारगेट 275, दूसरा पिक अशोक लीलैंड, नंबर शानदार 120, 30, 40, 70, 190 से आपको भाई कह रहा हूँ, 210 पे भी खुल के कह रहा हूँ कि 300 के टारगेट से बिना मत बेचने हैं। आज आपके इंग्लिश चैनल पे इनसे इंटरव्यू हुआ, अब वो डिफेंस और पावर में रिलेटेड बिजनेसेस में 40% CAGR देख रहे हैं, अब ये 2 साल में आए, लेकिन आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए। आई थिंक अशोक लीलैंड इज गोइंग टू एक्सपैंड एंड गिव द मैक्सिमम रिटर्न एज फार एज ऑटो गोज। और तीसरा फिर रिइटरेट कर रहा हूं कि HDFC बैंक में फिर निवेश कीजिए, ये 1450 से नीचे नहीं जाने वाला, और ऊपर में अगर 1620 निकल गया है तो ये हाथ नहीं आएगा, अगले 2 साल के लिए HDFC बैंक है। तीसरी मेरी सजेशन, मैं मेटल्स पे बहुत बुलिश था, मेटल्स में हमने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है, वी आर गोइंग टूवर्ड्स फार्मा, वी आर गोइंग टूवर्ड्स FMCG एंड सेलेक्ट स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स, बट द थ्री नेम्स आई हैव गिवन यू HDFC बैंक, AB कैपिटल और अशोक लीलैंड, दीज आर माय थ्री फेवरेट एज ए डिस्क्लोजर, ये हमारे बायर्स में भी है, हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियोज में भी है। आदित्य बिरला कैपिटल, अशोक लीलैंड और HDFC बैंक फिर से, वैसे ये नए नहीं है वसीम साहब की लिस्ट में, कन्विक्शन फिर से आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें दमखम भी है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये तीन स्टॉक फिर से वसीम साहब आपके लिए रेकमेंड कर रहे हैं।